हेलो दोस्तों, मैं हूँ कैसर फ्रॉम PS2 Trailer। उम्मीद है आपका टाइम, आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, अगर हमने किसी इमेज पे कार्टून अफेक्ट या पेंट ऑयल पेंट अफेक्ट देना हो तो हम फोटोशॉप में फिल्टर में जाते हैं और स्टाइलाइज और यहाँ पे ऑयल पेंट इसको इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से हम यहाँ से सेटिंग्स करते हैं डिफरेंट स्लाइडर्स को यहाँ से। और इसके बाद भी अगर हमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे, और इस हम अगर इस तरह से ऑयल पेंट इफेक्ट दें या कार्टून इफेक्ट देने की कोशिश करें, या फिर हम फिल्टर गैलरी में जाके और फिल्टर गैलरी से यहाँ से कुछ पेंट इफेक्ट यहाँ पे देने की कोशिश करें, तो यहाँ पे भी हमें कुछ वैसे नतीजे हमें नहीं मिलते। बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हमें करना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है, तब जाके हमें ऑयल पेंट इफेक्ट या कार्टून इफेक्ट जो है वो मिलता है। तो क्यों ना हम सिर्फ एक क्लिक, जस्ट वन क्लिक, हम कार्टून इफेक्ट जो है वो अपने इमेज को अगर हम देना चाहें तो एक क्लिक में हम दे दें। तो उसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, तो आए देखते हैं कि हम फोटोशॉप में ऐसा क्या करेंगे। तो हम एक अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप के अलावा, एक सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का नाम है प्रीमा कार्टूनाइजर। अबाउट पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ये इसकी डिटेल मिल जाएगी कि अबाउट ये क्या है। ये प्रीमा कार्टूनाइजर 64-bit फुल इसका वर्जन है, ये 4.4.6, और आप ये डाउनलोड कर सकते हैं primacartoonizer.com से। तो इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और इसके बाद यहाँ पे ये इसका टोटल लेआउट है। यहाँ पे राइट साइड पे आपको सिलेक्ट क्रॉप और इसके कलर कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और इसकी इंटेंसिटी और इसका जोन। तो चले ऐड करके देखते हैं वही ये वाला इमेज हम प्रीमा कार्टूनाइजर में, और जस्ट वन क्लिक हम अपने तो ऐड पे क्लिक किया और उसी इमेज को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखें तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो कार्टून इफेक्ट, ये कार्टून इफेक्ट है, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इसमें डिफरेंट काइंड के यहाँ पे आपको कार्टून इफेक्ट्स देने के लिए यहाँ पे रेडीमेड आपने जस्ट वन क्लिक करना है। तो सपोज़ यहाँ से मैं एक चूज़ करता हूँ ये वाला और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे कन्वर्शन इन प्रोग्रेस यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे कार्टून इफेक्ट हमारे इमेज को कार्टून इफेक्ट, आप इसको जूम करके यहाँ पे देखें तो नहायत ही खूबसूरती से इसने ऑयल पेंट या कार्टून इफेक्ट जिसे आप कहते हैं वो हमारे इमेज पे अप्लाई कर दिया। अब आप अप्लाई के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये परमानेंट इस इमेज पे ये अप्लाई हो जाएगा। मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो ये कन्वर्शन इन प्रोग्रेस, तो ये अब अप्लाई हो चुका है। तो नेक्स्ट इफेक्ट जो है यहाँ पे ये स्प्लिटर इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरह के स्प्लिटर इफेक्ट आप इमेज पे दे सकते हैं। और सपोज़ मैं एक स्प्लिटर इफेक्ट ये वाला चूज़ करता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्प्लैटर इफेक्ट जो है ये यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, लेकिन परमानेंट अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो टेक्सचर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट काइंड के टेक्सचर्स हैं जो आप इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। सो सपोज़ मैं अपने इमेज पे ये लास्ट वाला ये वाला टेक्सचर जो है ये अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। और फिर मुझे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, तो अप्लाई पे क्लिक करूँगा। तो ये यहाँ पे अप्लाई, अगर जूम करके देखें आप इस इमेज को फुल, तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने इमेज के ऊपर ये वाला टेक्सचर जो है ये यहाँ पे इस एरिया में भी आपको नज़र आ रहा है, और जहाँ यहाँ पे इसने ज़रूरत समझी है वहाँ पे इसने अप्लाई कर दिया। तो अब इसके बाद यहाँ पे फ्रेम्स हैं, आप फ्रेम्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आईज़ हैं, आप आईज़ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आई जो कलर्स हैं उन जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आईज़ वुमेन ये आप अप्लाई करना चाहें तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। आईज़ मैन ये अप्लाई कर सकते हैं। आईज़ टूल और ग्लासेस अगर आप अप्लाई करना चाहें यहाँ पे ऐड करना चाहें तो ग्लासेस भी कर सकते हैं। और कॉमिक पॉप आर्ट अगर कोई आप लिखा हुआ यहाँ पे स्वीट व्हाट टी एफ आपको मालूम है व्हाट टी एफ का मतलब क्या है, ओच गर्ल कोल कुछ भी आप यहाँ पे लिखा हुआ इमेज के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेन जो हमारा यहाँ पे मकसद है कि वन क्लिक में हम ऑयल पेंट इफेक्ट या उसको उसकी कार्टून इफेक्ट जो है वो अगर हम अप्लाई करना चाहें तो इसकी इंटेंसिटी आप यहाँ से कम कर सकते हैं इमेज पे जो लास्ट हमारा अप्लाई किया हुआ था। और इसके कलर्स आप यहाँ पे रेड सायन जो भी आप ऐड करना चाहें, मैजेंटा ऐड करना चाहें या ग्रीन ऐड करना चाहें अपने इमेज पे। और अगर सेम रखना चाहते हैं आप कूल इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा ब्लू अगर ऐड या येलो आप ऐड करना चाहें तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्राइटनेस आप कम करना चाहें और कंट्रास्ट इसकी यहाँ पे ज़्यादा देना चाहें तो ये बिल्कुल एक ऑयल पेंट और कार्टून इफेक्ट जो है ये हमें देखने को मिलेगा। आप इस इमेज को यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं और सेलेक्ट के बटन से आप ये सेलेक्ट का बटन आपको मालूम है कि ये तो लास्ट में हम अप्लाई इफेक्ट्स सारे इफेक्ट्स जो है वो इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम इफेक्ट्स जो हमने दिए थे, कार्टून इफेक्ट दिया था, स्प्लैटर इफेक्ट दिया था और टेक्सचर दिया था मैंने अभी फ्रेम वगैरह। खुद आप ट्राई करें इस प्रीमियम कार्टूनाइजर को, जस्ट वन क्लिक आप अपने इमेज को ऑयल पेंट या कार्टून इफेक्ट में चेंज कर सकते हो। तो हर इफेक्ट को पे क्लिक करने के बाद यहाँ से रेडीमेड जो है इसके अपने इफेक्ट्स जो है उन पे क्लिक करने के बाद आप इसको अप्लाई करके देखना चाहें अप्लाई कर दें, नहीं पसंद तो अनडू कर दें। अगर आपको पसंद है ये इफेक्ट तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे और आखिर में लास्ट में जब आप समझें कि अब ये मेरा रेडी हो चुका है तो अप्लाई इफेक्ट यहाँ पे, तो जितने भी इफेक्ट्स आपने दिए होंगे वो आपके इमेज के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो उसके बाद आप इस इमेज को यहाँ से सेव पे क्लिक करें
और इस ये PNG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में आप जिसमें भी सेव करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कार्टून ऑयल पेंट यहाँ पे लिख के इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे इसको फोटोशॉप में ओपन करते हैं कार्टून ऑयल पेंट को, और ये आपका इमेज, और ये ओरिजिनल इमेज है आपको आपका। और ये प्रीमा कार्टूनाइज़र में गुजरने के बाद ये तो फोटोशॉप में बाज़ कातों में प्लगइन्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं और कुछ एफर्ट्स, कुछ इमेज पे खुद मैनुअली डिफरेंट फिल्टर्स इस्तेमाल करके तो कार्टून इफेक्ट देना पड़ता है। ये प्रीमा कार्टूनाइज़र मेरे ख्याल में कार्टून इफेक्ट या ऑयल पेंट इफेक्ट देने के लिए आप इसको इस्तेमाल करके देखें, आप यकीनन लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।